यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे IAS IPS के स्टूडेंट हैं और भी स्टूडेंट हैं जो रेंट पे रहते हैं, वो खाना बनाने के बुलाते हैं हम लोगों को। एक स्टूडेंट के 2000 रुपये, तीन वक्त खाना उनका बनाना। जहाँ हम 15-15, 20-20 स्टूडेंट के खाना बनाते थे, अब 5 बंदों के बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुशाहिद खान। इस वक्त हम हैं करोल बाग में और हमें कुछ ऐसी फैमिली मिली है जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उन बच्चे को जो खाने की ज़रूरत होती है तो वो जाते हैं वहाँ पे और खाना बनाते हैं। मतलब जो भी सामान होता है बच्चे का होता है, लेकिन जो खाने बनाने की प्रक्रिया है वो यही लोग करते हैं। और ये कोयम्बटूर के रहने वाले हैं, बेहद ये दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर कोयम्बटूर है। और ये दंपत्ति हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, इनका एक बेटा है जो BA में पढ़ता है। और रेंट पे आप रहते हैं साहब, आपका नाम क्या है? कृष्णमूर्ति नाम है मेरा। कृष्णमूर्ति आपका नाम है? हाँ जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोयम्बटूर के रहने वाले हैं। तो कोयम्बटूर के आप रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आप मतलब आपकी अर्निंग क्या है, कैसे आप पैसे कमाते हैं? यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे IAS IPS के स्टूडेंट हैं और भी स्टूडेंट हैं जो रेंट पे रहते हैं, वो खाना बनाने के बुलाते हैं हम लोगों को, तो उसके ब्याह पे हम जाते हैं, उनका खाना बनाते हैं, उसके ब्याह पे कुछ पैसे मिल जाते हैं हमें। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है महीने में, कितनी दिक्कतें आपको आती है? अभी तो बहुत दिक्कत है सर, अभी लॉकडाउन से अभी 2-3 ही काम है हमारे पास, तो लैंड देने के भी पैसे नहीं होते बड़े, लाइट मतलब किराया देने के भी। अच्छा, किराया देने के तो बहुत पैसे कम मिलते हैं अभी तो, जहाँ काम ही नहीं है अभी तो फिलहाल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमा। सलमा नाम है आपका? तो मतलब इतने भी आपकी अर्निंग नहीं हो पाती कि आप उस इकट्ठा करके रेंट दे पाएँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअल मैं किसी कंपनी में काम करता था, वो कंपनी भी 10 महीने से बंद है, तो जब काम बंद है तो सैलरी है नहीं, कुछ नहीं, तो मैं इनकी हेल्प करने के लिए आता हूँ, वो हम इंतज़ार करता हूँ। अच्छा, आप खाना बनाते हैं? आप खाना तो खाना स्वादिष्ट बनाते हैं? हाँ जी, आप एक बार खा के देखिए, अगर पसंद हो तो उनसे रखिए, तो नहीं हो तो आप मना कर दिया। बच्चे खुश रहते हैं आप? हाँ, बहुत खुश रहते हैं। एक वक्त का खाना बनाने के कितने पैसे लेते हैं? मतलब 3 टाइम, एक नाश्ता और ब्रेक और नाइट का लंच, 2000 रुपये लेते हैं महीने के। हाँ अच्छा, पूरे महीने के 2000? हाँ, पूरे महीने। एक स्टूडेंट के 2000 रुपये, तीन वक्त खाना उनका बनाना। अच्छा, रेंट कितना होता है आपका? 5000 किराया। 5000 किराया। हाँ, सुबह उनको नाश्ता दे दिया, फिर साथ के साथ उनका लंच भी बना दिया, अब इवनिंग में उनको जाके डिनर बनाना है। अच्छा, जब तक आप पार्क में ही रहते हैं? हाँ, जब तक पार्क में बैठते हैं। 3 बजे यहाँ से निकलते हैं हम, 3 बजे से लगभग 6:30-7 भी बज जाते हैं, घर जाते। मेरे को साहब, इनकी जो बात मैंने सुनी वह काफ़ी परेशान हाल में हैं ये। और ये देखिए, हम जो भी युवा हैं इधर करोल बाग और इधर उधर, तो उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये दोनों लोग कोयम्बटूर से हैं और पति पत्नी हैं, इनके बच्चे भी हैं, अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, आपको खिलाएंगे और कोई आपके किचन में दिक्कत नहीं होगी, मतलब कुछ ले नहीं जाएंगे सामान, ईमानदारी से बनाएंगे, आपको खिलाएंगे। आप इनको हमें बस काम मिलना चाहिए, हमारा नंबर। ये मेहनती लोग हैं, अपना नंबर बताएं आप। 9873837074 और दूसरा इनका है 9560309078। आपको अपना नंबर याद है? हाँ। सही बताइए, 9560309078। अब देखिए भैया, इस युग में जिसको अपना नंबर याद हो तो उसको अच्छा समझना चाहिए, और वह मेहनती लोग हैं, नहीं तो किसी को अपना नंबर भी याद नहीं रहता। बिल्कुल। क्या क्या बना लेती हैं आप? नॉर्थ भी, साउथ, सब बना लेती हूँ। अच्छा, पंजाबी का नाम भी है, साउथ इंडियन डिश भी है, आप जो बोलेंगे वो बना देंगे। बच्चों, यदि आप इस इलाके में हो और आपको लगता होगा कि हम भोजन बनाने में काफ़ी हमारा समय व्यतीत हो रहा है, यदि आप कुछ पैसे बचा करके खर्च कर सकते हो, तो इन पति पत्नी को बुला करके आप अपना भोजन अपने किचन में स्वादिष्ट भोजन बनवाइए, ईमानदारी से बनाएंगे और आपको पढ़ाई में सहूलियत होगी, समय आपका बचेगा। बिल्कुल। न्यू राजेंद्र नगर सिंधी पार्क। सर, ये कुछ पैसा है 1000 रुपया, मैं चाहता हूँ कि आप इनको अपने हाथों से। सर, नहीं सर, बहुत अच्छे लोग हैं जो नहीं कर रहे, मेहनत के पैसे चाहिए हमें। अच्छा, कोई बात नहीं, देखो लॉकडाउन में दिक्कत हुई है, ठीक है, और इसे दे रहे हैं, आप इसको रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे की पढ़ाई में लगाइएगा, कहीं और किसी काम में, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला बड़ा कारसाज है, बहुत धन्यवाद।
मदद करें, आप देखो आप मदद करेगा और प्यारे बच्चे हमारे देख रहे हैं। मैं भी लेटा हुआ था, मैंने सुना इनकी आवाज़ सुना, मैं उठ के बैठ गया। मैं फिर मैंने कहा यार इनकी मदद लेनी चाहिए, हो सकता है क्या पता ऊपर वाले ने इन्हीं के लिए हमको। और भाई साहब बहुत मेहरबानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आप देखिए जब ऊपर वाले को मदद करनी होती है तो ऐसे करते हैं मदद, ऐसे दिमाग में जहन में डालता है कि इनकी मदद करनी है। और इनका मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, अगर आप करोल बाग में रहते हैं, करोल बाग के आसपास रहते हैं और रेंट पर रहते हैं, आपको एक ज़रूरत है कि आपको खाना, एक स्वादिष्ट खाना चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक में मेरा इंस्टाग्राम आई डी आई भी है, वहाँ फॉलो कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद सर।